हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो रिटर्निंग पॉलिसी को लेकर के टैली है। हालांकि रिटर्निंग पॉलिसी पर और भी कई वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन आज की ये वीडियो खास तौर पर रिटर्निंग पॉलिसी को लेकर के ही है कि टैली में अगर रिटर्निंग हो रही है तो कैसे होगी, तो क्या प्रोसीजर होगा, आइए समझते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज शाम को भी टैली की लाइव क्लास चलेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जुड़िएगा और टैली के अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टैली को ओपन कर लेना, ये टैली ओपन हो गई। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए करना ये है आपको कि सिंपली यहाँ पर एक नई कंपनी बना देनी है। ठीक है, तो नई कंपनी बना देते हैं तभी आपको समझ में आएगा रिटर्निंग पॉलिसी का मतलब। अगर आप नई कंपनी नहीं बनाते हो तो रिटर्निंग पॉलिसी आपको समझ में नहीं आएगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो रिटर्निंग पॉलिसी को समझने के लिए हमें एक नई कंपनी बनानी है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे नई कंपनी हम बना लेते हैं। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है, यहाँ पर सिर्फ F3। अगर टैली ERP 9 होता तो Alt F3। ठीक है, यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाकर के एंटर कर देना है। तो यहाँ पर माई ओन शॉप के नाम से मैंने कंपनी बना दी है और यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया है, जो लोकल एड्रेस है हमारा वही मैंने डाला है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट चूज करना कंपलसरी, जैसे मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है तो यू प्रेस करूंगा तो यू वाले सारे स्टेट हाईलाइट हो जाएंगे, तो हमें इसमें से उत्तर प्रदेश चूज कर लेना है और चूज करके एंटर कर देना है, बस ये करना है आपको। और यहाँ आप अपने लोकल एरिया का पिन कोड डाल दीजिए और बाकी मोबाइल नंबर फैक्स नंबर ये सब डालते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा, लेकिन यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आपका काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2/4/2023 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जब एक्सेप्ट हो जाए तो यहाँ से अब क्या करना है हमें, हमारा यही था आज के इस वीडियो में कि हम इसमें GST की कोई बात नहीं करेंगे, रिटर्निंग पॉलिसी की बात करेंगे। तो कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, GST चालू ही नहीं करते, बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो अभी आएंगे परचेज में, देखिए परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा अगर आपको समझ में आ जाती है परचेजिंग तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको सप्लायर का इन्वॉइस नंबर दिया गया वो इन्वॉइस नंबर डालिए, एंटर करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2/4/2023 वाला डेट डालना है क्योंकि इसी डेट पर परचेजिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे Alt F2 करके हम जरा देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 22-23 चल रहा है, हमें 23-24 चलाना है, 1/4/2023 और 31/3/2024 यहाँ करना है। तो ये हो गया, अब ये चेंज हो गया, अब यहाँ पर ये 2 अप्रैल वाली डेट एक्सेप्ट कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे F2 करके इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 2/4/2023 करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये अब चेंज हो गया। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से एंटर करना है और यहाँ पर आप कैश में परचेजिंग कर रहे हो या डेटर पार्टी क्रेडिटर पार्टी के थ्रू परचेजिंग कर रहे हो, तो हम यहाँ उधार में कर रहे हैं तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं मनोज सी क्रेडिटर कर देते हैं और यहाँ पे संडी क्रेडिटर का ग्रुप रहेगा, तो ये संडी क्रेडिटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एंटर करते हुए। ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर एंटर 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 करके इसको भी एक्सेप्ट कराइए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर परचेज का लेजर आएगा, देखिए अगर सेल्स में एंट्री पास कर रहे होते तो सेल्स का लेजर आता, तो यहाँ परचेज अकाउंट का एक लेजर लगा देते हैं और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो आप देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दीजिए, ये परचेज अकाउंट कर दिया, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, करा लिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आएगा, तो नेम ऑफ आइटम में अब हमें बनाना होगा, देखना होगा क्या क्या है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है, बनाते हैं Alt C करके बनाएंगे, Alt C। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं कीबोर्ड, तो ये हो गया कीबोर्ड, कोड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड किस चीज में बिकेगा भाई, यूनिट क्या होगी, तो यहाँ कर देते हैं NOS नंबर्स, नंबर्स में बिकेगा कीबोर्ड, एक कीबोर्ड, दो कीबोर्ड या 5 कीबोर्ड, 10 कीबोर्ड ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ NOS की एक कैटेगरी बनी हुई है पहले से, UQC कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं या नहीं देख लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। यहाँ पर एक कीबोर्ड की खरीद रेट 90 रुपये, ठीक है, तो बेचेंगे उससे ज़्यादा का ही, तो हम बेचेंगे कितने का, 200 रुपये का बेचेंगे, तो 200 रुपये पर के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, एंटर कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड का अमाउंट डालना है, जैसे मान लीजिए आपने 150 कीबोर्ड परचेज किए बेचने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे माउस का भी बना लेते हैं यूनिट, तो ये माउस हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे NOS ही रहेगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इसका भी सेट करते हैं, तो यहाँ पर ये पड़ा 75 रुपये का खरीद रेट। ठीक है, 75 रुपये का, तो अब इसे ज्यादा का ही बेचेंगे, ये भी याद रखिएगा, तो बेचेंगे कितने का, 150 का एक बेचेंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये इस तरीके से करके और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिए। तो दो आइटम हमारे पास हो गए, 200 माउस हो गया, 150 कीबोर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 75 रुपये रेट अपने आप आ गया जब स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया गया, तो अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं, एंटर एंटर, यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही रहेगा,
ठीक है, एंटर करिएगा और एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो अब हम चलते हैं स्टॉक क्वेरी में, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। और देखिए ये स्टॉक क्वेरी स्टॉक समरी नीचे दी गई है, यहाँ पे आइए और यहाँ पर जरा देखिए कि आपके पास कितने कीबोर्ड हैं। देखिए अप्रैल में आपके पास कितने कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड और माउस की संख्या दोनों आपके पास क्लियर है। देखिए 150 कितना है कीबोर्ड है और 200 क्या है माउस है, तो 150 कीबोर्ड 200 माउस है जिसमें से 100 कीबोर्ड खराब निकल गया, तो रिटर्निंग है। तो रिटर्निंग कैसे करेंगे, बी बटन प्रेस करेंगे और देखिए ये अदर वाउचर का जो ऑप्शन है ना यहीं से रिटर्निंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हम सामान खरीद के लाए हैं तो हम अपने यहाँ डेबिट नोट में एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ एंटर कर दीजिए और यहाँ डेबिट नोट में एंट्री पास करनी है, तो इन्हीं को रिटर्न देंगे, इन्हीं के यहाँ से सामान आया था। अगर आपके पास बिल नंबर है तो वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे इनका जो भी GSTIN नंबर लगा हो वो लगा सकते हैं, फिलहाल इसको हम लोगों ने दिया नहीं है, स्किप करते हैं इसको। परचेज अकाउंट यहाँ लगा दिया और यहाँ कौन से आइटम वापस हो रहा है, तो कीबोर्ड की 150 में से 50 आइटम खराब है, ये रिटर्न हो रहा है, कॉस्ट वगैरह सब अपने आप आ जाती है, ठीक है। और दूसरा माउस का कितना आइटम खराब है, तो माउस का 30 आइटम खराब है, ये भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो जरा ये देखिएगा, अब इसको एक्सेप्ट कराएंगे हम, यहाँ पर इसको अभी नो रखते हैं, प्रोवाइड GST डिटेल्स को नो रखते हैं और ये अगेन सेपरेट हो गया। नरेशन में डाल सकते हैं द गुड्स, इस तरीके से लिखिएगा द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड RETURNED ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। एंटर करिए एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। अब जरा इसकी स्थिति देखते हैं, स्टॉक समरी में चल के देखते हैं क्या स्थितियां बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे आप, देखिए जरा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास था कितना और कितना रिटर्न, देखिए ये माइनस में आ रहा है, ये देख सकते हैं ना ये माइनस में आ रहा है, देखिए यानी कि इतना रिटर्न हो गया, कितना रिटर्न हो गया, 50 कीबोर्ड रिटर्न हुए हैं, ठीक है, और 30 माउस भी रिटर्न हुए हैं। तो सारा डिटेल आपको यहाँ मिलेगा, आप समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और शाम को जरूर जुड़िएगा टैली के लाइव क्लास में, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।